कर रहा है। इजराइल की एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र में कह दिया है कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी हैं और अब इजराइल का कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला जरूर कर दे। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसियों और साथ में अमेरिका को ये बता दिया था कि वो ये हमला करने जा रहा है। यानी कि ईरान कहना ये चाहता है कि उसने अमेरिका को पहले बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दे दिया था। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। इजराइल का बदला अभी बाकी है। तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान। नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इजराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है, और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली है कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला, और इजराइल के साथ उसके साथियों को भी ये मालूम है कि ईरान ने भी सोच समझकर और पूरी तैयारी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया होगा। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए बयान दे चुका है और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में तय है महाजंग। नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, रईसी रुकेंगे नहीं। ईरान इजराइल भिड़ेंगे, अमेरिका रूस लड़ेंगे। अमेरिका भले ही इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन उसे ये मालूम है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है।
इसराइल की वॉर कैबिनेट में इसी पर बात चल रही है। इसराइल के कई सांसद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद मामला अटका हुआ है, लेकिन इसराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री ने ईरान को खुलकर ये बता दिया है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה לישראל. ואתמול התייצב העולם באופן ברור, ביחד עם ישראל, מול הסכנה. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। किसी भी वक्त ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दो ध्रुवों में बंटना ही होगा। यही वजह है कि जब ईरान के रहबरे इंकलाब आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को आज़ादी दिलवाएंगे, वो यरूशलम को मुस्लिमों के हक में आज़ाद करवाएंगे, तो वे एक तरह इस्लामिक मुल्कों को इसराइल के खिलाफ अपनी इस जंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. ईरान ने एक और दावा किया है। उसने इसराइल पर जिस हमले को अंजाम दिया, तो उससे पहले हमले की जानकारी उसने अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को पहले से ही दे दी थी, और ये कहा था कि ये हमला इसराइल को सबक सिखाने के लिए है, ना कि उसके साथ युद्ध छेड़ने के लिए। मा पे खाख सफीद थे ये पयामी बामदाद अमरूज एलाम कर दी که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. मतलब साफ है कि ईरान को भी अमेरिका के जंग में कूदने का डर है, लेकिन साथ ही वो इसराइल को सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का जवाब दिए बिना रह नहीं सकता था। हालांकि इस बार ईरान ने सीरिया में हुए उसके ठिकाने पर हमले का जवाब इसराइल के किसी विदेशी ठिकाने पर हमला करके नहीं दिया है, बल्कि उसने सीधा इसराइल पर हमला बोल दिया है, और इस हमले को तेल अवीव जंग के ऐलान के तौर पर देख रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि इसराइल और ईरान के बीच में तनातनी लगातार जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात कह दी है। अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यरूशलम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा। युद्ध का कोहराम, ईरान इसराइल में बढ़ी टेंशन, इसराइल लेगा बारूदी बदला, ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इसराइल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई।